कौन ले जाएगा अपने घर का बहू कौन बनाएगा? कलंक तो रहबे करेगा कि भाई जी है। कितनो शरीफ का काम कीजिएगा तो लोग यहाँ का भाई फलनिया जगह से आए ले, चतुर्भुज स्थान से आए ले, मोल लग गया वह चतुर्भुज स्थान का, कौन घर की बहू बना ले? खानदानी पैसा ये। तो आपसे पहले कौन कौन था आपकी फैमिली का? मेरे फैमिली का पहले है ना मेरी नाना की बहन थी, उसके बाद मेरी माँ है, मौसी है, उसके बाद हम लोग। माँ और मौसी अभी भी है? हाँ सब है। अच्छा, तो फैमिली में उसके बाद किसी की शादी हुई? हाँ, हम अपनी बेटी का शादी की है। अच्छा, वो लोग इस प्रोफेशन में नहीं लाया? नहीं। तो फिर उनको पढ़ाया था आपने? जी। कहाँ तक पढ़ाया? घरे तक पढ़ाए, उस समय इतना नहीं जानकारी था, अब छोटी बेटी को पढ़ा रहे। कलाकारी करती हैं तो उसमें उतना कमाई होता नहीं है, और वही देह व्यापार करने लगेंगे तो बहुत कमाई होने लगेगा, लेकिन सबके साथ आदमी नहीं जाता है। क्यों? हम लोग नहीं जाते हैं सबके साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना, जिससे दिल मिला तो उसके साथ चले गए बस। तो पैसा किस हिसाब से देते हैं? पैसा दिल लेने है ना, दिल लगने के बाद पैसा का मूल नहीं होता, जो हाथ उठा के दे दिए ले लिए। प्यार हुआ था कैसे? वो आए थे यहाँ आपके पास ही कैसे, क्या हुआ पूरा शुरू से? नहीं, हम प्रोग्राम करने गए थे ना। कहाँ? यहाँ साहिबगंज के तरफ गए थे प्रोग्राम करने, तो वहीं से वो आई, बहुत दिन मुजरा उजरा सुनी है ना, बातचीत करते करते दिल मिल गया, और दिल मिलने के बाद तो सब कुछ हो जाता है। उस समय आदमी को कुछ समझ, बेटी हो क्या बोले, उस समय नहीं मैं समझ रही हूँ, उस समय आदमी थोड़े सोचता है कुछ भी। और उसके बाद एक बेटी है, बहुत बाद एक बेटी है, उसी उन्हीं से? नहीं, उन्हीं से है। अच्छा। हाँ, बहुत बाद, लगभग बहुत छोटा बड़ी है, 10 साल के बाद। तो दस ही शादी हो गई? हाँ, बड़ी बेटी का शादी कर। ना ना, मतलब जिनसे आपको प्यार हुआ था? हाँ, उसका शादी हो गई है, 4 बच्चे के बाप भी हो गए, खाली बेटा है, बेटी के तमन्ना में बेटा हो गया। आपसे मिलते हैं आप? नहीं, अब नहीं मिलते हैं, अब हम भी चाह नहीं करते हैं, बाल बच्चा के पढ़ती हम अपना खुश हैं। देह व्यापार नहीं करते हैं। तो बच्ची आपकी? देह व्यापार नहीं, दिल मिलने के ऊपर है, किसी से दिल मिल गया तो चले गए, उसी में रह गए। तो उसके बाद 9 साल की एक बेटी और है, तो 10 साल 11 साल की छोट बड़ाई है कि नहीं? हाँ, हाँ, हाँ। तो देह व्यापार करते तो बच्चा तो जरूर रहता, इसी बात पर बोल रहे हैं। पैदाइशी यही है, कब से करने लग गए थे? लगभग 15-20 साल से कर रहे हैं। कभी बीच में मन नहीं किया ये सब छोड़ दें, कुछ और करने लग जाए? कहाँ से करने लगेंगे, सरकार उतना दिया तोरे की करने लगेंगे? यहाँ तो ना बाल बच्चा का स्कूल में नाम लिखाइए तो है ना, बाप का नाम खोजा जाता है, तो कुछ किसको बना दे बाप? ट्राई किया था अपने नाम लिखवाने का? हाँ, तो अपने भाई का नाम दिए बाप ने, क्या करें मजबूरी में। हम लोग अंगूठा छाप बिंदी या चूड़ी का किए हुए थे, पैसे नहीं मिला, बहुत 5 साल पहले ना चूड़ी या बिंदी और लॉटी का भाई पैसे नहीं सरकार दिया। यहाँ से मोहल्ला में लड़का सब इतना पढ़ा लिखा घूम रहा है, उस सबको सरकार नौकरी नहीं दे रहा है, बेकार में पढ़ लिख के घूम रहा है, बउआ रहा है, पढ़ा लिखा के कुछ नहीं मिलता है, क्या मिलता है? इलेक्शन के समय में वोट लेने के लिए सब नेता आता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, आज जीतने के बाद कोई कुछ नहीं पूछने नहीं आता कि आप मर गई है कि जिंदा। नहीं, 500 मुझे चार्ज है, अब पड़ गाना 200-300 जय गाना सुन ले, 10 गाना सुन ले, 20 गाना सुन ले। हर दिन किस दिन यही होता है कि महीना महीना दिन कमाई नहीं होता है,
बैठ के मक्खी मारते रहते हैं। और कभी ऐसा होता है कि है ना, निकल जाता है दाल रोटी खाने का खर्चा, निकल जाता है किराया उराया दे के खा पी लेते, बाल बच्चा का परवरिश कर रहे हैं। मन का बात कैसे बता दे, बहुत आदमी बहुत कुछ सोचा कि मेरा भी लाइफ अच्छा हो, मेरा भी जिंदगी अच्छा चले, फिर भी आज ये है कि आज ये मॉल में बैठे हुए हैं तो जब तक जवानी है तब तक कोई पुछवैया रहेगा, जवानी नहीं है तो कोई पुछवैया नहीं रहेगा, कमा के बनाए रहेंगे तो बुढ़ापा में बैठ के खाएंगे। और वही शादी हुआ रहता तो सोहर बैठा के खिलाता। पर आपने अभी बताया कि आपकी छोटी बेटी को पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए तो आपने कुछ सोचा होगा ना कि वो बड़े होकर क्या करेगी। उससे तो पूछते हैं तो करती है कि मैडम बनेगी। खाप तो बहुत लोग बहुत कुछ का देखता है, पूरा थोड़े होता। फिर भी क्या सोचा था आपने? बहुत कुछ सोचा था।